तो क्या आप जानते हैं कि दीपावली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? तो फिर आप लोग बोलेंगे कि सभी को पता है कि श्री रामचंद्र उस दिन अयोध्या लौट के आए थे, तो ये तो पता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि दीपावली जो कि 3 दिन या 5 दिन का मनाया जाता है, उसके एक एक दिन का कारण क्या है? तो आइए जानते हैं। तो दीपावली के पहले दिन धनतेरस मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म माना जाता है। उस दिन भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए थे और उनके एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में औषधि थी, तो इसी कारण उन्हें औषधि का देवता भी कहा जाता है और उन्हें भगवान विष्णु का रूप भी माना जाता है। फिर दिवाली के दूसरे दिन या छोटी दीपावली जिसे कहते हैं, उस दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है। तो उस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर नाम के एक राक्षस का वध किया था। उस दिन को नरक चतुर्दशी के नाम से मनाया जाता है, जो कि दिवाली के दूसरे दिन होता है। उसके पश्चात तीसरे दिन जिस दिन दीपावली मनाया जाता है, उस दिन आप तो सभी को पता है कि श्री रामचंद्र रावण का वध करके अयोध्या लौटे थे। उस दिन जो है अंधेरी अमावस्या के रात को जो है पूरे अयोध्या वासियों ने दीप जलाया थे, जिसके कारण से इस दिन को दिवाली के नाम से मनाया जाने लगा। और ये त्यौहार जो है हिंदू धर्म के अलावा सिख धर्म और जैन धर्म में भी मनाया जाता है, क्योंकि जैन धर्म में जो है स्वामी महावीर को इसी दिन मोक्ष प्राप्त हुआ था। क्या आपको इसके बारे में पता था दोस्तों? कमेंट्स कर जरूर।